हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये 3P सैंडल पैक जो है अपनी स्प्लेंडर प्लस में इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसे जो है हम अनबॉक्स कर लेते हैं। इस तरह से कुछ बॉक्स इसका आता है। इधर से जो एक होल्डर, जो मेन सेंटर होल्डर है, और जो इसके पाइप हैं जो इस तरह से यहाँ पे फिट इसमें हम करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एल की जो एल की आती है 6 नंबर एल की इसमें नट दिए हुए हैं। इधर से 12 mm की इसमें मिट्टी लगेगी। तो क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, ज़्यादा हल्का भी नहीं है, ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। गाड़ी में फिट करके देखते हैं कि कैसा फिट होता है और कैसा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है इसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो इंस्टॉल करने के लिए पहले से हमने इसमें जो है होंडा ड्रीम व्यूअर का हैंडल इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसको पहले डिसमेंडल करेंगे, उसके बाद इसको हम फिट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद इसमें जो चार सेंटर में 4-10 mm के नट हैं, ये आपको ओपन कर लेने हैं। आप चाहे तो ये हैंडल अपने घर पे भी चेंज कर सकते हैं, तो बहुत इजी इंस्टॉलेशन है इसकी। और ये हैंडल आपको कहाँ से मिलेगा, क्या इसकी प्राइस रहने वाली है, ये भी हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो गाइस, इसका पुराना हैंडल जो हमने डिसमेंटल कर दिया है, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपना 3-piece नया हैंडल। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से सेंटर में फिट कर देना है। उसके बाद इसके जो ये होल्डर है, होल्डर कैप इसके आपको लगा देने हैं। बहुत इजी है, कोई खास इसमें आपको परेशानी नहीं होगी, आप घर पे इजीली आप इसको लगा सकते हैं। के बोल्ट जो है वो मैं ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा, क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद फिर मुझको इसमें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, इसलिए इनको नॉर्मल टाइट कर देते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद में अपने जो ये पाइप है, ये इसमें हमको इस तरीके से कुछ इंस्टॉल करने हैं। पहले इस योग में आपको जो है फिट कर लेना है इसको इस तरीके से। उसके बाद आपको इसमें ऐसे इस तरीके से फिट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये 6 नंबर की एलन की और ये 12 mm का पाना है, उसकी मदद से हम इसको टाइट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से हमको इस तरफ का जो पाइप है ये भी इसमें इंस्टॉल कर देना है। तो गाइस, हैंडल हमारा जो है वो फिट हो चुका है। अब बारी है कंट्रोल स्विच इंस्टॉल करने की, तो चलिए जल्दी से इन्हें भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस, हैंडल हमारा फिट जो है कम्प्लीटली हो गया है, और फिट होने के बाद कुछ इस तरह का लुक इसमें आ रहा है। तो मैं कहूँ तो बहुत ही शानदार जो है इसमें ये फिट हो रहा है और बहुत ही शानदार इसमें लग रहा है। तो अब इसके बाद इसको हम राइड करके भी देखेंगे ये चलाने में कंफर्टेबल है कि नहीं। तो गाइस, बात कर लेते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की।
तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जहाँ आपको 700 से 800 रुपये में ये मिल जाएगा, और ऑफलाइन भी आप इसको खरीद सकते हैं जो नॉर्मली स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर आपको मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।